नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मौर्य। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रीम 11 एप्लीकेशन में जो भी आप टीम बनाते हैं उसका जो पॉइंट है वो कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि कैसे आपका पॉइंट बढ़ेगा, कैसे घटेगा, तो आप उसी तरीके से आप अपने प्लेयर को चूज करेंगे और आपका पॉइंट बढ़ेगा और आप अच्छे रैंक पर आके पैसे कमा सकेंगे। अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्रीम 11 एप्लीकेशन से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं और ड्रीम 11 एप्लीकेशन क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ पॉइंट बढ़ने और घटने का, ये लगभग सभी एप्लीकेशन में ऐसे ही वर्क करता है। जो भी ड्रीम 11 एप्लीकेशन की तरह मैच लगा के पैसे कमाने वाले एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन में इसी तरह से पॉइंट बढ़ते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, जो भी टीम आपने बनाया है, जितने प्लेयर आपने पिक किए हैं, वो प्लेयर में से जो भी अच्छे से खेलेगा उसी का पॉइंट बढ़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 15 तरीके हैं पॉइंट बढ़ने का और 7 तरीके हैं पॉइंट घटने का। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखिए ताकि आप अच्छी टीम बनाकर अच्छे पैसे कमा सकें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको वो 15 रूल बता देते हैं जिससे आपका जो पॉइंट है वो बढ़ेगा। सबसे पहला, जब कोई प्लेयर एक रन लेता है तो आपको 0.50 पॉइंट मिलता है। नंबर 2, जब कोई प्लेयर चौका मारता है तो आपको 0.50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब कोई प्लेयर चौका मारता है तो आपको पूरे के पूरे 2.50 पॉइंट मिलता है। नंबर 3, अगर कोई प्लेयर छक्का मारता है तो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, जब कोई प्लेयर छक्का मारता है तो दोस्तों आपको पूरे के पूरे 4 पॉइंट मिलते हैं। नंबर 4, अगर कोई खिलाड़ी हाफ सेंचुरी मारता है, मतलब अर्ध शतक लगाता है, तो दोस्तों आपको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। नंबर 5, अगर कोई खिलाड़ी शतक लगाता है तो दोस्तों आपको 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर किसी खिलाड़ी ने 100 रन बनाए हैं, मतलब शतक लगाया है, तो दोस्तों उसने जो भी पॉइंट पहले से ऐड किया होगा उसमें 8 पॉइंट और ऐड हो जाएगा। नंबर 6, अगर कोई खिलाड़ी एक विकेट लेता है तो दोस्तों आपको 10 पॉइंट मिलता है। नंबर 7, अगर कोई प्लेयर 4 विकेट लेता है तो दोस्तों आपको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। नंबर 8, अगर कोई खिलाड़ी 5 विकेट लेता है तो आपको 8 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। कहने का मतलब है कि एक एक विकेट पे जो भी उसे पॉइंट मिल रहा है वो तो मिलेगा, साथ में 8 पॉइंट और ऐड कर दिया जाएगा उस खिलाड़ी पर। नंबर 9, अगर कोई खिलाड़ी मिडन ओवर निकालता है तो आपको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। कहने का मतलब है, किसी बॉलर ने बॉलिंग कराई और उसने अपने ओवर में कोई भी रन नहीं दिया है तो दोस्तों आपको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा उस खिलाड़ी पर। नंबर 10, अगर कोई खिलाड़ी कैच पकड़ लेता है तो आपको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। जो भी आपने टीम बनाया है उन प्लेयर में से किसी ने कैच पकड़ा तो आपको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, उस प्लेयर के पॉइंट में 4 पॉइंट ऐड कर दिया जाएगा। नंबर 11, अगर कोई विकेट कीपर स्टंपिंग करता है या कोई खिलाड़ी डायरेक्ट रन आउट करता है तो आपको 6 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। नंबर 12, अगर दो खिलाड़ी मिलकर किसी प्लेयर को आउट करते हैं तो दोस्तों जो भी थ्रो मारेगा उससे 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा और जो कैच करेगा वो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पाएगा। नंबर 13, अगर कोई बॉलर एक ओवर में 2 से 4 रन देता है तो आपको 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर कोई बॉलर बॉलिंग करा रहा है, वो एक ओवर में केवल 2 से 4 रन ही देता है, तो दोस्तों आपको 3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। नंबर 14, अगर कोई बॉलर बॉलिंग करा रहा है और वो
चार से पांच रन देता है उस ओवर में, तो दोस्तों आपको उसका 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। नंबर 15, अगर कोई बॉलर एक ओवर में 5 से 6 रन दे रहा है तो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो दोस्तों ये थे पॉइंट बढ़ने के रूल। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि जो भी अच्छी बॉलिंग कराए, जो भी आउट ज़्यादा करे प्लेयर को, उन्हें ऐड कीजिए, या फिर शतक मारने वाले को, या फिर दोस्तों जो ज़्यादा चौका और छक्का मारे। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको बता देते हैं उन 7 रूल के बारे में जिससे आपका जो पॉइंट है वो कटेगा। नंबर 1, अगर दोस्तों आपने अपनी टीम में कोई ऐसा बैट्समैन चूज किया है, ऐसा कोई खिलाड़ी चूज किया है जो दोस्तों बैटिंग करने आता है और बिना कोई रन बनाए ही आउट हो जाता है, तो दोस्तों आपके पॉइंट में से 2 पॉइंट काट दिए जाएंगे अगर इस तरह के बैट्समैन आपके टीम में हैं तो। नंबर 2, अगर कोई बॉलर एक ओवर में 9 से 10 रन देता है तो आपके पॉइंट में से 1 पॉइंट काट दिया जाएगा। नंबर 3, अगर कोई बॉलर एक ओवर में 10 से 11 रन देता है तो आपके पॉइंट में से 2 पॉइंट काट दिए जाएंगे। नंबर 4, अगर कोई बॉलर एक ओवर में 11 से ज्यादा रन देता है तो आपके पॉइंट में से 3 पॉइंट काट दिए जाएंगे। नंबर 5, अगर कोई खिलाड़ी 100 बॉल खेलता है और वो 60 से 70 रन ही बना पाता है तो आपके पॉइंट में से 1 पॉइंट काट दिए जाएंगे। नंबर 6, अगर कोई प्लेयर 100 बॉल खेलता है और वो 51 से 59 रन ही बना पाता है तो दोस्तों आपके पॉइंट में से 2 पॉइंट काट दिए जाएंगे। नंबर 7, अगर कोई खिलाड़ी 100 बॉल खेलता है और वो 50 रन ही बना पाता है तो दोस्तों आपके पॉइंट में से 3 पॉइंट काट दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस जिससे आपका जो पॉइंट है वो घटता और बढ़ता है। अगर दोस्तों आपको अच्छे रैंक पानी है तो दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया होगा, तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका होगा कि आपको अपने टीम में किन किन खिलाड़ियों को रखना है, कैसे बैट्समैन को रखना है, कैसे बॉलर को रखना है, ताकि आपका जो पॉइंट है वो घटे ना वो बढ़ता रहे। तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए आप अपनी टीम में चूज कीजिए जो भी अच्छे प्लेयर हैं, जो चौके ज्यादा मारे, छक्के ज्यादा मारे, शतक या फिर अर्धशतक लगाए, जो कम गेंदों में ज्यादा रन बनाए और जो ज्यादा विकेट ले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो प्लीज डिसलाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।